रिया की जमानत याचिका पर सुनवाई शुरू हो चुकी है। रिया और शौविक की जमानत याचिका पर सुनवाई शुरू हो चुकी है और पहली बार की तरह रिया ने एक बार फिर ये कहा है कि उनको उनकी जान को जो है खतरा है, उनकी जान को बेहद खतरा है, इसलिए उनको बेल दे दी जानी चाहिए। जेल में उनकी जान को खतरा है, कहाँ उनकी जान को खतरा है, लेकिन उन्होंने एक बड़ी लंबी चौड़ी जमानत याचिका शुरू कर दी है। इस वक्त जो है हाईकोर्ट में उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई चल रही है, लेकिन एनसीबी ने कल ही एफिडेविट फाइल कर दिया है। उन्होंने कहा है कि वो जमानत याचिका का विरोध करेंगे। मैं आपको बता दूं, एनसीबी ने अगर दो दलीलें दी हैं कि पैसे दिए गए हैं, पैसे प्रोक्योर किए गए हैं और ड्रग सिंडिकेट की एक्टिव मेंबर थी, तो ऐसे में उनको बाहर जाने पर सबूत जो है हैम्पर हो सकते हैं। पर इसके अलावा अगर रिया की बात करें तो रिया ने बहुत सारे मुद्दे बताए हैं। रिया ने कहा है सुशांत खुद ड्रग लेता था, हम लोगों को यूज करता था, उसके आसपास के लोगों को, सुशांत के परिवार पे, उनकी बहनों पर आरोप लगाए हैं कि उनकी बहनें जो थीं सुशांत उनसे खुश नहीं था, उनकी बहनों ने जो मेडिसिन दी उसका सुशांत की मौत से असर हो लिंक हो सकता है। उनकी बहन उनके अंतिम दिनों में दूसरी बहन उनके साथ में थी, वो बहन जिन्होंने उनको दवाई दी उनके नाम पर उनका वो नॉमिनी थी उनके बैंक अकाउंट में। यानी कुल मिलाकर के रिया ने कहानी को पूरा 360 घुमाने की कोशिश की है अपने जमानत याचिका के जरिए, मगर ये जमानत याचिका अब तक तो नहीं चल पाई है। आज हाईकोर्ट में इसका क्या होता है, इस पर हमारी नजर है। आप बने रहे हमारे साथ, लगातार खबरों का सिलसिला जारी है।